तो भैया बात अभी कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूँ फिलहाल पुणे में और पिछले 2 दिन से यहीं पे ही हूँ। काफ़ी सारे यहाँ पे काम थे जो मैंने कर लिए कंप्लीट, और अभी टाइम आ गया है मेरा निकलने का। आगे मैं जाऊँगा मुंबई। अभी सुबह नाश्ता बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नाश्ता अच्छा नहीं होगा ना, अगर आपका ब्रेकफास्ट हैवी नहीं है, तो आपका जो दिन है ना वो मतलब ऐसा निकलेगा, आप बिल्कुल कमज़ोर कमज़ोर महसूस करोगे। अभी क्योंकि मैं पुणे में हूँ और मैं नाश्ता कहीं बाहर करूँ, कहीं होटल में करता तो यार इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे पुणे में रहती हैं कविता जी और यहाँ पे आप जानते होंगे कविताज किचन भैया आपने लोगों को पता नहीं क्या क्या बनाना सिखा दिया और लोगों को कितना मतलब खाना खाना ना मतलब क्या बोलते हैं उसको, पुण्य का काम है खाना खिलाना और खाना खाना। तो लास्ट टाइम जब मैं मेलबर्न में थी ना, तो गौरव ने कहा था मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, तो मैंने इनवाइट किया कि आप सीख भी लेना और खा भी लेना, है ना। तो मैंने अभी गौरव के लिए छोले बनाए, भटूरे भी तलने हैं। तो यहाँ पे अभी दोस्तों छोले जो है ना, मतलब मुझे ना छोले राजमा मतलब जो बीन्स होते हैं ना बेसिकली, हाँ, चने या वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, जिसको कुछ नहीं बनाना आता ना उनको ये सारी चीजें बहुत पसंद होती है, मैंने देखा है। अरे मैं बनाऊंगा अभी दोस्तों। अभी चलो करते हैं शुरू इस वीडियो को और बोलते हैं सभी एक साथ, चलिए शुरू करते हैं। यही शुक्र शुक्र आपने बोल दिया, चलिए शुरू करते हैं। ये हैं छोले एकदम बढ़िया से की हुई गार्निशिंग, और मैं अभी टेक्निकली बता रहा हूँ, ऊपर धनिया डाला ना आपने। ये मजे की बात ये है कि नीचे यहाँ पे हमारे पास में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं करने वाला हूँ कुछ कुकिंग और देखो अभी क्या बनता है। एटलीस्ट मैं खुद तो खा लूंगा, जो भी बनेगा, और किसी की गारंटी नहीं है। गौरव आलू काट के दिखाइए आप। आलू किसी किसी 4 पीस, एक आलू के 8 पीस होने चाहिए। ओके, ये लोगों ने 12 12 कर दिए। इसको यहाँ रखा, ये लो ये और ये। इसको मतलब अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि जब मेरी माँ घर पे इतना बढ़िया खाना बना के मेरे को देती है ना, तो उस टाइम पे मतलब बिहाइंड द सीन्स क्या क्या लगता होगा यार। मतलब सोचो इतनी प्रिपरेशन चाहिए होती है, या बोलो जल्दी बन जाएगा, जबकि इसके अंदर भी कुछ तो चाहिए करने के लिए ना। हो गया प्याज डालिए, फिर प्याज को भूरा होने तक पकाइए, नहीं सुनहरा होने तक पकाइए, उसके बाद में डाल देते हैं नमक मिर्च मसाला, उसके बाद में फाइनल मेन डिश जाती है, फिर उसको लपेटते हैं उसके अंदर। ऐसे धन्यवाद। मजे मत लो मेरे अभी यहाँ पे। उससे मालूम है क्या होता है चाइनीज वाले में देखा है, जैसे जो ये बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल नूडल्स या ऐसा कुछ। हाँ। अभी लेट्स से कि सड़क किनारे कोई जगह है जहाँ पे आपको नूडल्स मिलती है बहुत अच्छी, वहां पे आप जाते हो तो वो जो बंदा बनाना होता है ना, उसकी एक हाथ की बाइसेप्स ऐसी बन जाती है बिकॉज वो दिन भर कढ़ाई को पकड़ के ऐसे ऐसे उछाल रहा होता है, और दूसरा हाथ नॉर्मल होता है। पक तो चुका है और रंग देखो ना कितना मस्त बना। हमने यहाँ से एक आलू को निकाल लिया, ये बड़ा आलू है, आप इसको कट कीजिए, गर्म होगा बहुत। हाँ, धुआं निकल रहा है। कोई भी अगर आइटम मिल जाए तो मैं जितना बनाया ना वो खत्म कर दूंगा, और नाश्ता बन जाएगा तो बढ़िया वाला, आज तो मतलब मजा आ गया। अरे फूल गया फूल गया फूल गया, सुनहरा होने तक पकाए, भूरा होने तक पकाए, काला होने तक पकाए, मतलब और बाद में जी भर के खाए। तो ये अभी हम आ गए हैं यशवंत राव चौहान द्रुत गति मार्ग, बोले तो एक्सप्रेस वे, द्रुत मतलब फास्ट और मार्ग मतलब वे, तो ये बन गया यशवंत राव चौहान एक्सप्रेस वे, जिसको हम बोलते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बेसिकली। और अभी रोड ऐसी मिलने वाली है और बस दौड़ने वाले हैं अभी हम, एम्बुलेंस को दे रहे हैं हम रास्ता, साइड में पीछे से एम्बुलेंस आएगी और हम जाएंगे सामने सीधा मुंबई की तरफ, रास्ते में रुकते रुकते। हम इंडिया में कहीं जाएं और हमको ये ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। बीच बाजार जहाँ पे चारों तरफ है मगनलाल चिक्की मगनलाल चिक्की, उसके बीच में एक स्पेशल नीला और हरा बोर्ड तो बनता है मेरे भाई। बहुत कमाल लोकेशन है और एकदम मज़ा आ रहा है। अगर किसी का घर वहाँ हो उसके ऊपर, और अगर वो रोज़ ऊपर जाए और नीचे जाए तो कुछ दिनों में गायब हो जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन हम बादलों के ऊपर हैं ऑलमोस्ट इस टाइम पे, और चारों तरफ ये काफ़ी फ्लैट सरफेस है ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सामने इधर ये वाला। और ये है लॉयंस पॉइंट ना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, और यहाँ पे अभी सेल्फी लेने वाला हूँ। सेल्फी मैंने ले ली आज कल परसों, और अभी आप देखो मज़ा भाई। ऐसा कमाल का रास्ता, ऊंचा नीचा हरा भरा पहाड़ों वाला, और मौसम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, और हाथ में हो गरम गरम भुट्टा तो और क्या चाहिए, कैमरा बंद करके बस खाना चाहिए। तो भैया अगर आप लोनावला आए और आपने मगनलाल की चिक्की नहीं खाई तो आपने क्या खाया, क्योंकि आपको चारों तरफ यही देखने को मिलेगा मगनलाल चिक्की, मगनलाल इधर भी चिक्की और चारों तरफ मगनलाल चिक्की है। तो यहाँ पे ये ली हमने ड्राई फ्रूट्स वाली चिक्की, इसको भी खाएंगे, और साथ में लिया है स्ट्रॉबेरी फज और खाएंगे, और आपको दिखाऊंगा नहीं वरना आपका मूड बन जाएगा खाने का, तो मैं अकेला अकेला खा लेता हूँ। तो ये जो सड़क है ये वही है
जो अगर आप किसी को कहें आतिका खंडाला और अगर कोई हाँ बोल दे तो आपको यूज़ करना है खंडाला पहुँचने के लिए। ये है यहाँ पे खंडाला और बस जो नज़ारा है वो बहुत कमाल है। बारिश के मौसम में यहाँ पे झरने वरने जो हैं वो गिरते रहते हैं और एक झरना वहाँ पे गिर रहा है, अगर आप देखोगे मैं जूम करूँगा तो आपको दिख जाएगा किधर गया झरना, झरना झरना वो दिख गया आपको झरना। तो ये नज़ारा है भाई, काफ़ी कमाल अभी लग रहा है देखने में, अगर बारिश होगी तो और अच्छा लगेगा। और इंटरेस्टिंग व्यू है यहाँ पे, जो लोग रहते हैं उनकी किस्मत बड़ी अच्छी है कि वो जब चाहें जहाँ चाहें एंजॉय कर सकते हैं अच्छा व्यू यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सभी के? शायद आप वीडियो देख रहे हैं सुबह शाम दिन रात या जो भी है, तो गुड डे आप सभी को। आज मेरे लिए यहाँ पे दिन है संडे का, टाइम हो गया है 2, मैं जस्ट अभी अभी सो के उठा हूँ और जो हालत है पीछे उसके बारे में तो मत पूछो, लेकिन जो हालत है मेरे सामने वो बड़ी कमाल है। जहाँ पे ये आपको दिख रहा है सामने पूरा का पूरा जुहू बीच, सामने जो है वो लोग अपनी कुछ कुछ एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, पानी बिल्कुल बढ़िया है, लहरें चल रही है फर्स्ट क्लास, इधर उड़ रहे हैं कबूतर बहुत सारे और कुछ यहाँ पे बैठने वाले थे लेकिन उनकी जगह नहीं है बैठने की। मेन बात यह है कि आज जो है वो है मेरा आखिरी दिन मुंबई में, बेसिकली मुंबई कल शाम को आ गया था और मेरी अभी आज रात को लेट नाइट में एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। यहाँ पे निखिल के साथ में मिलने वाला हूँ शाम को फिलहाल, लेकिन मेरे को जल्दी है आज की सुबह वाली वीडियो रिकॉर्डिंग करने की, उसके लिए कुछ जुगाड़ करने वाला हूं, वीडियो रिकॉर्ड करता हूं फिर मैं आपसे बात करता हूं। कैमरे के लिए बहुत लोग पूछते हैं कौन सा कैमरा है, तो ये है कैनन का 80D और जो लेंस है वो है ये सामने सिग्मा का 1835 लेंस f1.8 वाला। ये इधर रखा है मेरा माइक जो कि है सिंपल 400 रुपए का बोया वाला माइक मैंने लगा रखा है सामने कैमरा से, कोई एक्स्ट्रा लाइट काम ले रहा हूं केवल यहां से नेचुरल लाइट, पीछे का एक थोड़ा सा एक अच्छा उससे इफेक्ट आता है सिर के ऊपर, और साइड से यहां पे ये वाली स्पॉटलाइट और ये इधर से लैंप का फिल, तो ये बैठ के बनाऊंगा वीडियो और जो फ्रेम है वो आएगा यहाँ पे ऐसा, तो ये फ्रेम के अंदर शूट हो जाएगी वीडियो, शूट करता हूँ फिर बात करते हैं। मेन काम हो गया दिन का, वीडियो पूरा डन हो गया है, मैंने लैपटॉप को ना यहाँ पे रख दिया था, खाने की प्लेट को इधर रख दिया और उसके बाद में एडिटिंग सब कुछ करके वीडियो जा चुका है यूट्यूब पे, तो ये काम जो होता है मेन वो हो गया। संडे मसाला करूंगा शायद लाइव निखिल के घर से, और अभी मेरी निखिल से बात हुई है, वो पहुंच गया है ऑलरेडी अभी मुंबई और मैं जाता हूँ अभी, और हालांकि थकान तो बहुत है मेरे पास में भी निखिल के पास में भी, लेकिन हाँ शाम को कुछ टाइम स्पेंड कर सामान पैक करना है। हालत दिख रही है ये देखो, चार्जिंग केबल वेबल ये इस तरफ पूरा बिखरा पड़ा है सामान, इस तरफ मेरा कुछ और चार्जर वार्जर लगा हुआ है, ये इधर कैमरा का बैग खुला पड़ा है, ये मेरा एक जो होता है मेन बैग वो खुला हुआ है, इसके अलावा ये जो है ट्राइपॉड का कवर है वो सब खोलना है, उसके अलावा इधर तो भैया पूछो मत हालत जो मेरे बैग की है, इधर तो सारा सामान मतलब इतना पता नहीं कौन सा कपड़ा निकालना है कौन सा छोड़ना है, तो वो सब को देखना है ठीक से, सामान रेडी इधर देखने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बस निकलने वाला हूँ विद इन 2 मिनट्स। भैया मुझे यहाँ पे मुंबई की सड़क जो कि है जुहू वर्सोवा लिंक रोड उस पर तलाश है किसी रिक्शे वाली की, बिकॉज रिक्शे बहुत सारे लेकिन रिक्शे वाली कोई भी नहीं है, तो देखते हैं कि कहाँ मिलता है। अरे रिक्शा चाहिए क्या? चाहिए ना। चल मेरे, लेकिन रिक्शा वाली चाहिए। तो मैं भी तो हूँ रिक्शा वाला, वरुण है मेरा नाम, चल मेरी रिक्शा में अभी। ये क्या बात है यार, अरे मेरे को डर लगने लग गया अभी वरुण से। डरो मत यार, ये मेरा भाई है, भाई चल यार जाते हैं। रिक्शा वाली तुम मतलब क्या मॉर्निंग शिफ्ट में रिक्शा वाली, नाइट शिफ्ट में रिक्शा वाला? रात में मेरी अलग लाइफ है असल में, पीपल डोंट नो, मैं रात को लड़का बन जाती हूँ। अच्छा। जिसका नाम है वरुण और सुबह के टाइम लड़की, सो व्हिचएवर टाइम यू पिक दैट बिकम्स मी ईदर मैन और वुमन। और कितना सही है ना, पीछे बहुत सारे रिक्शे, मतलब सारे के तुम्हारे क्या? मेरे सब, मेरे मैंने हायर किए सब मेरे लिए और तुम्हारे लिए स्पेशली मंगवाए हैं मैंने। अरे क्या बात है, मेरे को निकले घर जाना है अभी पवई। आप पवई यहाँ बहुत है, अभी चलते मीटर से मेरे साथ मीटर में थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वरुण कैरेक्टर में हूँ ना तो थोड़ा ज्यादा दाम लगाऊंगी। बाय यार, अभी चलते हैं अभी, और यहाँ से मैंने निकलना है, रात की मेरी फ्लाइट है। अनिशा अभी दुबई में थी और न्यू ईयर तुमने भी देखा, मैंने भी देखा, बट हमने आपस में नहीं देखा। अनिशा ने मेरे को अभी तक घुमाया नहीं मुंबई, तो मैं दुबई क्यों घुमाऊं? नहीं यार ऐसा मत कर, यानी मुझे एक्चुअली आई नो
owe it to Gaurav. We still have to take him around Mumbai because he was so sweet. I will make it up. I will next time you here because he also Gaurav just shows up. मुझे बताता भी नहीं कब आता. Next time plan करते हैं. हाँ next time plan करके वो आके मैं उसे proper Mumbai one day पूरा घुमाऊंगी. Promise. City tour. City full on. चलो bye bye यार. Bye. फंसे हैं यहाँ पे किसी traffic signal में और जो time लगेगा मुझे निखिल के पास जाने के लिए यहाँ से वो है 36 minutes. इस तरफ ऑटो रिक्शा, इस तरफ कार्स और रिक्शे वाला कहीं अंदर घुस गया है. अभी मिलाया था ना मैंने आपको. अभी पंगा हो गया है. मैं गली में खड़ा हूँ निखिल भाई की, लेकिन मेरे को बिल्डिंग याद नहीं आ रही कि वो बिल्डिंग कौन सी है. और फोन पे ट्राई कर रहा हूँ तो फोन जो है वो नो रिप्लाई जा रहा है. शायद फोन साइलेंट है या निखिल कहीं सो रहा है, पता नहीं. हालांकि मेरी बात हुई थी थोड़ी देर पहले. अभी बिल्डिंग ही याद नहीं आ रही है कौन सी है. ऊपर से नेटवर्क ऐसा है जो समझ नहीं आता. कभी तो बिजी आता है, कभी कॉल जाता है. और मैं दोनों नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नो रिप्लाई. भाई धोखा तो नहीं है ये कहीं. फाइनली मेरे को एंट्री मिल गई है. हाँ भाई कितनी देर से सोए आप? 15-20 आधा घंटा मेरे ख्याल से. आधा घंटा सो गया क्योंकि आधे घंटे पहले मैंने बात किया था. निखिल ने बोला हाँ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ. और मैं अचानक सो रहा हूँ. अच्छा हेलो मजे की बात. मैंने 15-20 बार कॉल किया, दोनों नंबर पे कॉल किया, पिक नहीं किया. व्हाट्सएप कॉल किया, पहली बार में पिक किया. क्या बात कर रहे हो? व्हाट्सएप कॉल मतलब मैं भी पता नहीं. फोन मेरा फोन ऐसा था. सपने में पता नहीं किसका कॉल आ रहा था. निखिल की मेहनत जो है वेस्ट हो गई यहाँ से टेबल उठा के अंदर रखने की और हमारा कैमरा लगाने की, लाइट लगाने की, बैटरी लगाने की, बैठने की, कुर्सी खिसकाने की, सब कुछ. क्योंकि यूट्यूब ने धोखा दे दिया है. अच्छी बात है आप लाइव नहीं करते. आपने धोखा दे दिया. ऐप ने, यूट्यूब आपने नहीं, ऐप ऐप ने. यूट्यूब से बहुत बड़ी विनती करते हैं, प्लीज आप एक लाइव ठीक कर दे. नहीं विनती मेरे को नहीं करता, तू तो लाइव करते नहीं है. मैं तो लाइव करता हूं, डरता हूं लाइव करने से. इसीलिए अभी यहां पे मेरे पास में कुछ करने के लिए है और ये टोटली मेरी औकात से बाहर है. 60-70 kg. अच्छा तो अभी मतलब ये किसके लिए लिखा है? देखो आपका हम कोई बॉडी बिल्डर या प्रोफेशनल एथलीट तो है नहीं. हां हमें बेसिक करना होता है तो हम इससे कर लेते हैं पुशअप्स. हाँ. अब नमस्कार करने जाएंगे तो अभी हम 20-21 साल के तो है नहीं. हाँ. शोल्डर इंजरी हो सकती है. सही है. प्रॉपर अगर जब इससे करेंगे तो आपकी बॉडी फिट होती है. और वो ये बार तो जो मेरा टू फेवरेट है वो ये और वो बार है. हाँ. क्योंकि आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहती है. हाँ, इतना अगर कर लोगे अच्छे खासा तो निकल जाएगा और बाकी फिर एक्स्ट्रा बेसिक ये तो कॉमन है. बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स. हाँ ये मतलब मेरे ख्याल से डंबल और बार से आप काफी चीजें कवर कर सकते हो. काफी चीजें. हाँ. लेकिन और एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये रोलर. हाँ ये सुना ये मालूम वो ये नहीं ये मैंने उसमें देखा. हाँ तो ये मालूम. अरे बहुत असरदार है. निखिल भी बोल के दिखाएगा. पहले मैं बहुत परेशान था, पहले मुझसे कोई ठीक से बात नहीं करता था. जब से मैं ये आइटम देख रहे हैं आप, ये बड़ा लाइट है. आप इसे ये देखिए कैसे तो इसे निकालते हैं. हाँ. ये बड़ी आसानी से आपके बैग में फिट हो जाता है. आ जाएगा और आप एक हफ्ते में लूज करेंगे 2 inch. जी हाँ. और आपको करना क्या है, आपका फेवरेट यूट्यूबर का यूट्यूब वीडियो देखते देखते एकदम ऑकवर्ड सा पोजीशन ले लीजिए यार, ऐसा करते हैं. और अभी ऐसे आगे को रोकने वाला भी चाहिए. हाँ? आगे अगर आप एयरपोर्ट पे बोर हो रहे हैं तो सबके सामने आप अगर फ्लाइट में बोर हो रहे हैं तो कैबिन में जाके ऐसे कीजिए. और आपका 10-15 किलो ऐसे चुटकी हो गए. सो गौरव जो है अभी एब्स की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं. ये ऐसे लटका. हाँ शाबाश. हाँ थोड़ा और ऊपर ले सकते हो तो लीजिए. हाँ और इफ पॉसिबल लेट गो स्लो अप. ऊपर आइए. ऊपर होल्ड एंड कम डाउन स्लो. होल्ड कम डाउन स्लो. हालत खराब हो जाती है ना. बाइसेप्स के लिए कुछ ज्यादा हैवी नहीं हो जाएगा ये? बाइसेप्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत वेट की है. हाथों में जान है भाई. तो पहले आप इस हल्के से वार्म अप कर लो. दोनों ट्राई करते हैं. दोनों ट्राई करते हैं. ठीक है चलिए. सो 20 kg. आर यू श्योर गौरव? अरे यार कम ऑन अभी कितना 40 किलो बनेगा. नहीं वार्म अप कर लो इससे. ये कितना है? 10-10 है ना. हाँ ये 10-10 है. तो ये तो बन गया ना. इसमें तो अपन वो करते हैं ना कि हैमर करते हैं तो इसको. हाँ. एक तो ये होता है. हाँ. एक ये होता है. हाँ. और इसके अंदर भी फिर बैठ के करने में एक वो वाला भी होता है. हाँ. ये वाला 2-3 तो मेरे को कुछ भी मालूम है पुराने वाला. हाँ, तो ये तो इजी है, ये तो हो सकता है. फॉर्म इज एवरीथिंग. अगर आपका फॉर्म नहीं है तो आपको अनुष्का शर्मा नहीं मिलेगी. Let me try. I have no idea कि उठता भाई. संभल गए. एक सिलेंडर मालूम है कि 28 किलो का होता है ना. बैग संभल गए. हाँ. तो सिलेंडर जो है उठ जाता है आराम से. तो ये है
कम ऑन, ओह क्या बात है, साइड साइड पुश, वाह टेक्निकल गुरुजी हमारे 20-20 किलो मार रहे हैं, क्या बात है। पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था। ओके, घुटने टिकाने और आगे आने, कितना आगे, जितना आगे आवाज को, अरे आगे तो स्लिप हो जाएगा ना? नहीं पूरा आगे, पूरा आगे, अपनी छाती टच करो, वापस ऊपर आओ। देख फील आया, फील ही आया और कुछ नहीं आया। शोल्डर्स के लिए होता है कि ऐसा करके और फिर वो वाला, हाँ दिस इज फॉर शोल्डर्स, सबसे साइड वाला होता है। ये वाला भी होता है, हाँ ये भी होता है, परफेक्ट। हाँ तो ये मैं ना दोबारा फॉर्म में आने वाला निखिल भाई, हाँ जाते फॉर्म में आने वाला हूँ। नहीं मैं तो कर लो, आपका ऑफिस बड़ा अच्छा बन रहा है। हाँ। तो आप भी क्या करो, दो चार रेजिस्टेंट बैंड ले लो। सही है, इसकी जरूरत नहीं आपको, स्ट्रेच वाला जो रेजिस्टेंट बैंड ले लो, सूटकेस में डालो, और ये सुदर्शन चक्र हमारा किधर गया, वो भी ले लो एक सुदर्शन चक्र, बस ये अपने सूटकेस में डाल लो। इसकी कीमत कितनी है, अभी कॉल कीजिए ना तो घर बैठे 355 रुपए, नहीं 355 नहीं 155 बिल्कुल नहीं 355, जी हाँ बिल्कुल 355, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, दे दिया है, मजाक कर रहा है, जोक है जोक। वेट में प्रॉब्लम नहीं हो रही बिल्कुल, मतलब ठीक है होगी, लेकिन वो थोड़ा दो मिनट में, हाँ नजदीक से ना दो मिनट में आदत पड़ जाएगी, लेकिन हाँ दिस इज परफेक्ट की पूरा कमरा दिखाने के लिए पैन नहीं करना है, एक बार में दिख जाता है, एक बार में दिख जाए। तो ये अभी निकला कैमरा चेंज कर दिया भाई, और ऐसे करेंगे वीडियो बनाए, मतलब ये लगता है ना ये असली, वो कहते हैं उसको ये औजार है असली, ये असली वो तो खिलौना है वो खिलौना, दिस इज द रियल टूल, पिस्टल है ये प्रॉपर AK-47 है। निखिल जो है वो इस बार ड्यूक पे बिठाने वाला है मेरे को, टाइगर ये दिख रहा है आपको शायद, हाँ अभी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ये सब स्टार्स है, स्टार्स जो है वो मूव करेंगे धीरे धीरे, अगर वीडियो में देख पा रहे हो तो, या अगर नहीं भी देख पा रहे हो तो इतना समझ लो कि इतना समझ लो कि काफी अच्छा था, ट्यूबलाइट भी अच्छी है, बहुत अच्छी है ट्यूबलाइट, एक्चुअली ट्यूबलाइट है ये, एक्चुअल ट्यूबलाइट हो नहीं हो, चलो हाँ हो जाती है। ये लाइट है ना, ये सही जगह पे लाइट लगाया भाई, सही जगह पे लाइट, उनको पता है निकल कि यहाँ पे बाइक खड़ी करोगे कभी भी आओ, दिन में रात में कैसे भी आओगे, ये बेस्ट लाइट और कैमरा तो खैर है हमारा माशाल्लाह एकदम बढ़िया, और मजा आने वाला है। अभी मैं एकदम मजे में बैठा हूँ बिना किसी दिक्कत के, मेरे को आराम से बहुत मजा आ रहा है, और गिरने का भी डर नहीं है आज, आई होप। नहीं 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 बिल्कुल नहीं गिरोगे, निखिल की इज्जत दांव पे नहीं नहीं उस दिन क्या हुआ, एक खड्डा आ गया और ड्यूक की सीट है इतनी सी, आपको तो पता है ड्यूक की सीट, और वो यही कहीं हुआ था, हाँ वो बताते ना क्या हुआ था, हम जाने थे वो इधर ही कहीं पे हुआ था भाई, ये इस जगह पे, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला इधर निखिल ने मेरे को इधर गिरते गिरते बचाया भाई, एकदम गिरते गिरते बचाया। इंडिया में जब मैं आता हूँ निखिल भाई, बाइक का बड़ा मजा आता है, अलग मजा है, और आपको व्लॉगिंग में मजा आता है, मुझे तो व्लॉग में हर जगह मजा आता है, तो व्लॉग करो अभी गौरव भाई बाइक चलाएंगे, हाँ। इंडिया में ना बाइक का बड़ा मजा है भाई, मतलब इससे बढ़िया चीज नहीं है, देखिए खाली रोड पे, खाली रोड पे अगर अभी ट्रैफिक में चलाओगे, नॉट रियली, नहीं नहीं इधर तो रात के टाइम पे निखिल भाई ने पिछली बार मेरे को 1 घंटे में पूरा मुंबई कवर करवाया था, हाँ हाँ काश होता है आप दोनों व्लॉग कर सकते हैं, बट नहीं हो पाया, अगर उस वक्त व्लॉग करते तो आपको 1 घंटे में पूरा मुंबई, बाइक का सबसे अच्छी चीज यार इतने ऊंचे होते हैं ना, सबसे ऊंचे हैं, देख लो रिक्शे से भी ऊपर थे, रिक्शे से भी ऊपर थे, लोगों को लग रहा होगा कौन सी रियलिटी शो की शूटिंग चालू है ये रोड़ी है, ये रोड़ीस, रोड़ीस X4 रोड़ीस ट्रिपल एक्स, रोड़ीस ट्रिपल एक्स, ये रोड़ीस ट्रिपल एक्स की शूटिंग चालू है, कैमरामैन निखिल के साथ गौरव, रोशनी में कुछ दिख भी रहा है क्या, अभी दिख रहा है ये मेरे को, बातें पकड़ लेंगे कि एक हाथ से बाइक, अरे ये तो टैलेंट है, यूट्यूबर्स का टैलेंट होता है, वो फूड लेट पे जा रहा है या घर पे जा रहे हैं, घर पे जाते हैं, अरे स्ट्रेट चलो क्योंकि टाइम हो गया ना, हाँ टाइम, अरे हाँ हाँ गौरव को निकलना है 1 बजे तक, तो 1 बजे ड्राइवर आ जाएगा ना, 1 बजे आ जाएगा। इस कैमरा का मजा लो लाइट में, ये लो पिछली बार मेरे से बाइक पे धक्का लगवाया तो ये मेरा कैमरा, बैग उठा, मेरे कैमरा, मैंने बैग उठाया, और ये वो फिल्मी सीन नहीं है जहाँ पे बैग के अंदर कुछ नहीं होता, यहाँ पे ये असली का 15-18 किलो का बैग है भाई, कार वेट कर रही है भाई, किधर थी वो, लेफ्ट हो रहा है, चलो ये कैमरे का मजा है भाई लो लाइट में, बहुत अच्छा है, चलो
लोग बोलते रहे ये किसने भेज दिया नकली माल इसको सनक तो यूट्यूबर है। फाइनल बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। बाय बाय, चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुक्रिया अलविदा आपसे, शुक्रिया अलविदा, माशाल्लाह, टेक केयर, डू व्हाटएवर यू वांट, लवली फ्रेंड, जाओ डू व्हाटएवर यू वांट, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। अभी रात को सबसे अच्छी बात है मुंबई में ये संडे की रात की ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से मुश्किल से 20 मिनट और हम होंगे सीधा एयरपोर्ट। आज तो मुझे भी कोई काम नहीं है, ना लाइव करना है, ना वीडियो बनाना है, ना कुछ करना है, तो मेरे पास में एकदम आराम से रिलैक्स करने का टाइम होगा। और फिर सुबह जब पहुंच जाऊंगा दुबई तब शायद ये वीडियो एंड होने वाला है, हो सकता है पहले भी हो जाए। दोस्तों एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट मुझे मिला कि यहाँ पे जो दीपक भाई जिन्होंने मेरे को अभी ड्रॉप किया यहाँ पे एयरपोर्ट पे, वो सब्सक्राइबर निकले और वो यूज़ करते हैं Xiaomi का Redmi Note 4, जो कि उन्होंने देखा रिव्यू देख के और फोन से संतुष्ट भी हो। हाँ जी बिल्कुल। क्या फोन में अच्छा क्या लगता है? सब कुछ अच्छा, ऐसा खाली कैमरा का क्वालिटी थोड़ा लो है। वो Xiaomi को बहुत बार बोला यार कि थोड़ा ठीक करो, अगले साल क्या पता अभी नोट आएगा तो ठीक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन तो उसमें कोई ऐसा, और बैटरी तो बहुत ही अच्छी है उसकी, मतलब कीमत के हिसाब से पैसा वसूल है। अच्छा लगा दीपक मिलकर, आपने एकदम सही सलामत को टाइम पे पहुंचा दिया एयरपोर्ट। और जो चलो थैंक यू यार, जो मुंबई एयरपोर्ट है वो दिखने में दोस्तों कितना कमाल लगता है आप देखो। यहाँ से आपको ये जो पिलर्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन एलिमेंट है, जहाँ पे पिलर्स पूरे बाहर भी हैं और ये सेम पिलर्स आपको अंदर भी मिलते हैं। दोस्तों अभी जो टाइम है वो करीब करीब 1:30 बजा है, तो ऐसे में मेरे पास में काफ़ी टाइम है फ्लाइट से पहले, और शायद थोड़ी देर में रेस्ट भी कर पाऊँगा। बाकी आगे जाके देखते हैं क्या मूड होता है मेरा, और मैं कुछ खाता पीता हूँ या बैठ जाता हूँ। सामने सिक्योरिटी चेक के लिए बहुत लंबी लाइन है। Thank you. Thank you. मुंबई के लिए गुड नाइट है, दुबई के लिए गुड मॉर्निंग भी है, लेकिन वीडियो तो आप देख रहे हैं सुबह है, तो बात तो एक ही है। और फिलहाल आपको पीछे यहाँ से तो खैर कुछ खास दिखेगा नहीं, लेकिन जो नज़ारा है अंदर का वो कुछ ऐसा है, इधर से लेके इधर तक और उसके बाद में इधर तक। नीचे आपको लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन है ये जुहू बीच है, और यहीं पे मेरा होटल था जब मैं स्टे कर रहा था, JW मैरियट जुहू, काफ़ी कमाल होटल था। और ये नीचे पूरा जुहू बीच है, और बस अभी हम आ गए हैं अरेबियन सी के ऊपर। जमीन से 40,000 फीट ऊपर और यहाँ पे टाइम है शावर का। हालांकि अभी मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि जो वॉशरूम है वो कैसा है, तो ये है बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस यहाँ पे एमिरेट्स फर्स्ट क्लास के वॉशरूम का, जहाँ पे ये है बहुत ही बड़ी सी वॉश बेसिन, इसके ऊपर है मिरर और साइड में सारे बेसिक अमेनिटीज, इसके नीचे आपको मिल जाएगा एक हिडन कमोड, और उसके अलावा यहाँ पे है एक एमिनिटीज किट, उसके अलावा और सारे जो भी आपको चीज़ें यूज़ करनी है, चाहे वो कंडीशनर हो, शैम्पू हो, शार जेल हो, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके अलावा यहाँ पे है टॉवल, और इधर है मिरर, आप देख सकते हैं अपने आप को पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक।
यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर के अलावा आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मिल जाएंगी अगर आपको कुछ यूज़ करना है। फिर नीचे हैं कुछ टिश्यू रोल्स और यहाँ से निकलता है ऑक्सीजन मास्क अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है अंदर ऑक्सीजन की। और सबसे कमाल की चीज़ है ये, जहाँ पे आपको अंदर मिलता है ये एक शावर और यहाँ पे पानी आता है कुछ इस तरीके से। पूरा मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ। और यहाँ पे पीछे स्क्रीन भी है ये दिखाने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है, जब आप अपना काम कर रहे हो तो आप देख पाएंगे फ्लाइट कहाँ पे है, कब पहुंचेगी वगैरह वगैरह। अभी मैं जाता हूँ बाहर और आपको जाके दिखाता हूँ बाहर वाला बार। दोस्तों यहाँ पे है बड़ा सा स्क्रीन जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं कुछ लाइव टीवी, कुछ गेम्स। ये है बार जो कि हट जाता है लैंडिंग से थोड़ा सा पहले और टेक ऑफ के थोड़ा बहुत ही सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे यू कैन एंजॉय आराम से और साइड में आप बैठ के इस तरफ भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आप बाहर देखोगे फिलहाल तो कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इस तरफ दोस्तों एक्सपीरियंस बड़ा ही कमाल का है भाई। हालांकि मेरे पास में टाइम नहीं आया था क्योंकि फ्लाइट जो है वो सिर्फ 2 घंटे की थी मुंबई से दुबई, लेकिन अगर आप कभी लंबा आते हैं तो काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं और यहाँ पे आप टीवी देख सकते हैं, यहाँ पे आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी अपर डेक, हालांकि मैं अपर डेक पे था लेकिन मैं नीचे आया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर आते हैं तो दिखता है एक झरना या एक फाउंटेन या एक वाटरफॉल एक प्लेन पे जो कि 40,000 फीट की हाइट पे। हालांकि अभी 40,000 पे नहीं है लेकिन कमाल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे सामने का ये एरिया है, पीछे का भी एरिया है और नीचे है पूरी इकोनॉमिक क्लास, सामने ऊपर की तरफ है फर्स्ट क्लास, उसके बाद पीछे है बिजनेस क्लास और है बार। सामने जो स्क्रीन है ये है अराउंड 32 इंचेस का जो कि एक टच स्क्रीन है। साइड में है एक फ्लावर, उसके बाद में नीचे यहाँ पे है राइटिंग पैड और उसके अलावा यहाँ पे है एक मिरर जहाँ पे आप जो है काम पे ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, हमने यहाँ पे पावर प्लग है, साथ में एक USB पोर्ट है अगर आपको यूज़ करना है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे स्टोरेज एरिया है आपके पूरे लगेज के लिए और उसके बाद में आप यहाँ पे स्ट्रैप है इससे इसको टाइट भी कर सकते हैं, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरफ हैं काफ़ी सारी मैगजीन्स और उसके अलावा ये जो हैं ये हैं नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मैंने यूज़ किए हैं पहले बहुत बार। उसके अलावा साइड में ये जो एरिया है ये है मेरा पर्सनल जो कि है मिनी बार और यहाँ पे आप इस बटन को दबाते हैं तो होता है जादू और आपकी सारी फेवरेट ड्रिंक सामने आ जाती हैं और उसके बाद में आपको सिर्फ इसको बाहर निकालना है और आप बाहर निकाल के एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि इस पाइनएप्पल जूस को। इसके अलावा आप इसको बटन दबाएंगे तो ये बंद भी होगा। सेम है यहाँ पे, अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो ये डाइनिंग टेबल जो है वो बाहर आती है। तो ये है आपकी डाइनिंग टेबल, वर्क टेबल, आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए काम में ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये है स्टोरेज एरिया जहाँ पे आप अपने बैग्स को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपके लिए ये स्टोरेज एरिया है, वहाँ पे भी स्टोरेज एरिया है और उसके अलावा ये है मेरा पिलो, इसको मैं रखता हूँ साइड में। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए जो है वो स्टोरेज एरिया है, इसके पीछे आप जो स्टोर कर सकते हैं। और सामने ये जो है ये है एक कम्प्लीट टच स्क्रीन कंट्रोलर जिसके साइड में आपको कुछ और पैनल्स मिलते हैं, सारे कंट्रोल्स हैं विंडोज़ के लिए। उसके अलावा आप यहीं से लाइट्स को डिम कर सकते हैं अगर आपको चाहिए असिस्टेंस। इसके अलावा सामने यहाँ पे ये जो पोर्ट्स है ये है USB और HDMI। बाकी और क्या बचता है सीट में, यहाँ पे हैं सीट कंट्रोल्स और सीट कंट्रोल्स यहाँ पे भी हैं, आप लाइट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें सीट में जो चाहें वो चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो है अमेजिंग चीज़। यहाँ पे अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाएं एंटरटेनमेंट में, उसके बाद में आप जाएं यहाँ पे मूवीज़ में, उसके
उसके बाद में आप जाते हैं यहाँ पे न्यू बॉलीवुड मूवीज़ में, तो ये आती है स्निफ, जॉली एल बी को अगर आप करते हैं प्ले तो वो सामने उधर प्ले हो जाती है जॉली एल एल बी टू। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और साइड में दोस्तों यहाँ पे है ये एक कंट्रोलर जिसकी मदद से आप कंट्रोल कर सकते हैं ये सभी चीज़ें। तो इसको आप निकालेंगे और निकाल के यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद में वापस डाल के छोड़ देंगे। इस कंट्रोलर के अलावा यहाँ पे है ये एसी वैन, एक एसी वैन जो है वो यहाँ पे है ये एक रीडिंग लाइट के पास में। उसके अलावा नीचे यहाँ पे ये जो है कुछ स्टोरेज एरिया है और ये है नीचे इसके लाइफ जैकेट। ये है पूरा एक्सपीरियंस एमिरेट्स फर्स्ट क्लास सुइट का जो कि है एयरबस A380 पे, और काफ़ी कमाल एक्सपीरियंस है। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। बाकी निकलते हैं यहाँ से बाहर। Please withdraw your card and enter the gate. Please scan the finger displayed in the screen. Thank you for using the UAE e-gate. सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। स्ट्रेट सेंटर राउंड अबाउट के पास से चालू हो गया बारिश। हाँ हाँ, पहले कुछ भी नहीं है। नहीं, जब लैंड किया उस टाइम मेरे को ऊपर बादल दिख रहे थे। अच्छा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ यार। पूरा आपको दिखा दिया मैंने पूरे दिन की जर्नी और पूरा का पूरा सफर। तो वापस मैं बस जा रहा हूँ फिलहाल घर की तरफ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।